स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर में। पिछली वीडियो में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, एक कॉन्सेप्ट बताए थे और उस पे हमको क्वेश्चन करवाना था। उसके बाद फिर हमको एक कॉन्सेप्ट बताना है। आज हमको क्वेश्चंस करवाने हैं, दो क्वेश्चंस जो पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन है, एक लड़की 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो हमको इसका डिस्टेंस निकालने के लिए दो स्पीड दिया हो। अगर एक स्पीड S1 है और से वो A से B जा रहा है, S2 से फिर वापस आ रहा है, तो इस केस में हम एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे। वो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यानी कि आने जाने में जो कुल समय लगा वो कुल समय। और एक और फॉर्मूला ड्राइव किए थे, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी समय का अंतर। अब इसमें हमको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जिसके नीचे में S1 प्लस S2 लिखा है, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा जिसके नीचे में S1 माइनस S2 लिखा हुआ। जब हमको कुल समय, यानी प्रश्न में दिख जाए कि कुल समय, जैसे यहां दिख गया 5 घंटे, टोटल टाइम या कुल समय दिख जाए, तो हमको ये S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यानी कुल समय, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यदि क्वेश्चन में ये दिख जाए कि 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि समय का अंतर दिख जाए, कुल समय नहीं दिखे, समय का अंतर, क्या बोले, समय का अंतर, यदि समय का अंतर दिख जाए तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, बोले तो समय का अंतर। ये S1 और S2 क्या है, ये जो है हमारा स्पीड है, दो स्पीड जिससे वो जा रहा है और सेम डिस्टेंस वापस आ रहा है। यहां क्या बोला, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वो स्कूल जा रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूल से घर वापस आ रही है। S1 यहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, S2 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल टाइम 5 घंटा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, S1 इंटू S2, S1 3, S2 2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू आने जाने में जो टोटल टाइम लगा वो टाइम, तो ये 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 6, और ये 3 प्लस 2 5 इंटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 6 किलोमीटर उसके स्कूल से और घर से स्कूल की दूरी कितना निकल के आया, 6 किलोमीटर। बस हमको ध्यान ये रखना है कि प्लस वाला फॉर्मूला कब यूज करना है और माइनस वाला फॉर्मूला कब यूज करना है। ये प्रश्न समझ में आया होगा, पिछली कॉन्सेप्ट का ही
पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज इस क्वेश्चन में था। अब एक और क्वेश्चन, जब हमारे पास समय का अंतर दिया हुआ हो, यहाँ दिया हुआ है यदि एक लड़का अपनी गति 20 किलोमीटर बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा समय जो है, समय एक घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति क्या होगी। तो हम वास्तविक गति को क्या लिख लेते हैं, वास्तविक गति को हम एस लिख देते हैं। और वो क्या कर रहा है, अपनी गति को 20 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है। तो ये S1 हो गया, S2 क्या हो गया, 20 किलोमीटर वो बढ़ा दे रहा है। तो S प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है, और ऐसे करने से वो कितना समय बचा ले रहा है, अपना एक घंटा का समय बचा ले रहा है। तो हम जब भी बताएं कि जब समय का डिफरेंस दिया हुआ हो, ये क्या है, समय का डिफरेंस है। जब समय का डिफरेंस दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, S1 इंटू एस टू डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो हम ऊपर में S, ये S1 हुआ, इंटू S प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अगर S1 माइनस S2 करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 20। नीचे में 20 निकल के आएगा। समय का अंतर कितना दिया हुआ है, समय का अंतर एक घंटा दिया हुआ है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में इसने डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, 600 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस के जगह पे 600 किलोमीटर लिख देंगे, और S इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, 12,000 ये हो गया, इंटू एस प्लस 20। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ होगा उस ऑप्शन का सहारा लेंगे और हम बना लेंगे। तो यहाँ एस के जगह पे हम अगर 100 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसके 3 जीरो, तो हमारा आंसर कितना हो गया, एस बराबर कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था कि उसका वास्तविक गति क्या है, तो यहां से हम वास्तविक गति इसका कैलकुलेट कर लिए। तो यहां तक जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे, इस कॉन्सेप्ट पे आप बेस्ट अभी ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाए। अब देखिए, पिछली वीडियो में जो हम ये कॉन्सेप्ट बताए थे वो हम डिटेल्ड मेथड से बताए थे, यहां हम एक रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चंस को बताते हैं। देखिए, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, उसे आने जाने में कुल t घंटे का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है s1 s2, x किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर पर आवर। हम यहां से करेंगे क्या, स्पीड का रेशियो ले लेंगे, ये क्या है स्पीड, इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, x इज टू y होगा। अब जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो यहां समझ में कुछ कम आए, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। तो देखिए, यदि डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो हम बताए थे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का जो
रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होगा। यदि डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, y इज टू x, ये हो गया टाइम का हमारा रेशियो हो गया। ये स्पीड का रेशियो था, ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। अब यहां देखिए कुल टाइम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, t घंटे। हम इस रेशियो को जोड़ के और t घंटे के इक्वल कर देंगे, क्या है y प्लस एक्स किसको डिनोट कर रहा है, t आवर को। तो यहां से यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाले तो क्या निकल के आएगा, t डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब देखिए हमारे पास स्पीड आ गया कितना x और टाइम आ गया y, तो डिस्टेंस यहां से हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस यहां से क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितना है x किलोमीटर, x और टाइम कितना है y, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा x इंटू वाई हो जाएगा यहां से। तो हम क्या किए, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, x इंटू वाई यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो t डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू एक्स वाई, ये आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू टी। अब देखिए यही डिस्टेंस एक्स वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो हमारा क्या आया डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये टी क्या है, टोटल टाइम, ये टी क्या है टोटल टाइम। तो हम यहां से क्या निकाले थे कि यदि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो अगर एक x किलोमीटर पर आवर और दूसरा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो और आने जाने में टोटल t घंटे का समय लगता हो, तो हम ऐसे रेशियो मेथड का यूज करके इसको हम निकाल लिए। तो वही फॉर्मूला मेरा आ गया d इक्वल टू यदि स्पीड s1 इंटू एस टू डिवाइडेड बाई एस वन प्लस एस टू इंटू टी। टी हमारे पास क्या है, कुल समय। यदि समय का अंतर नहीं दिया हुआ, यदि कुल समय दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम जो डिफरेंस वाला होता है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है। इस दोनों प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन जो है पिछली वीडियो में करवाए हैं, यहां हम रेशियो मेथड से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। t हम बताए थे माइनस वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जहां लिख दे t घंटा ज्यादा समय लेता है, t घंटा कम समय लेता है, या दोनों आने जाने में इतने समय का अंतर है, तो वहां डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा। जहां ये लिख दे कि कुल समय, तो वहां प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम क्या यहां से निकाल, इस प्रश्न का S1 क्या दिया हुआ है, स्पीड का हम पहले रेशियो निकालते हैं। पहला स्पीड क्या दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा S2 स्पीड क्या दिया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर। इसका रेशियो यदि हम ले तो रेशियो क्या निकल जाएगा, x इज टू y हो जाएगा रेशियो।
अब हमको यहाँ से टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो इसके लिए हम बताए थे स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये होता है। अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम स्पीड को बढ़ाएं तो टाइम हमारा घटेगा, यदि स्पीड को हम घटाएं तो जो डिस्टेंस कवर करने में हमारा टाइम लग रहा है वो अधिक होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है। तो यहां समझिए, अगर स्पीड का रेशियो x इंस टू वाई है तो टाइम का रेशियो जो होगा y इंस टू एक्स हो जाएगा। यहां से हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कि t घंटे ज्यादा समय लेता है, मतलब क्या कि आने में जाने से। तो यहां से y माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, t, t लिखा हुआ है। अब फिर से देखिए, हमारे पास स्पीड पता है, स्पीड x है, टाइम पता है y है, तो हम डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई, ये हो जाएगा x y। तो एक यूनिट जाने में कितना लगेगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई होगा, ये होगा एक यूनिट जाने में इतना लगेगा। हमको कितना ले जाना है, कितना यूनिट, x इंटू वाई यूनिट ले जाना है। एक्स वाई यूनिट ले जाने के लिए एक यूनिट का पता है, तो इसमें हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू टी। ये t क्या है, समय का, आने जाने में जो समय लग रहा है उसका अंतर, ये अंतर है। हम ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है, हम यहां से क्या फॉर्मूला निकाले थे, डिस्टेंस इक्वल टू एस वन इंटू एस टू डिवाइडेड बाय एस वन माइनस एस टू इंटू समय का अंतर। ये अंतर आपको बनाना पड़ेगा या क्वेश्चन में खुद दिया हुआ होगा। यहां तक हम डिटेल सॉल्यूशन पिछली वीडियो में करवाए थे, इस वीडियो में हम रेशियो मेथड से बताए, जिससे हमको पूरे चैप्टर को पढ़ना है रेशियो मेथड से। तो हम यहां से एक दो प्रश्न को दो तरीके से हम करवाए, रेशियो मेथड से और डिटेल्ड सॉल्यूशन से। अब यहां से आगे आता है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब देखिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दे तो हमारे क्या निकल के आ जाता है, टाइम निकल के आ जाता है। इसी तरह से अगर हमको एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना है, तो ऊपर में हम लिखेंगे टोटल टाइम,
टोटल टाइम यानी कुल समय डिवाइडेड टोटल सॉरी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कुल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कुल समय, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करें तो हमारा क्या यहां से निकल के आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब देखिए अगर दो पॉइंट दिया हुआ है ए बी, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस डी दिया हुआ है यानी कि निश्चित डिस्टेंस होगा एक्स किलोमीटर पर आवर से कोई जा रहा है और वाई किलोमीटर पर आवर से कोई वापस आ रहा है, इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा कब, जब समान दूरी हम एक स्पीड से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो हमारा एवरेज स्पीड जो हो जाएगा टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई हमारा स्पीड है। और देखिए इसमें और एक और यदि ये डी डिस्टेंस है ए बी, यदि बोल देगा डी बाई टू जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर से और डी बाई टू जा रहा है वाई किलोमीटर पर आवर से तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा एवरेज स्पीड टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। इस पे हम एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाते हैं। राहुल 75 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है, अगर 50 किलोमीटर की गति से वापस घर आता है तो औसत ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें, ये प्रश्न है। तो अब घर से ये घर से कोचिंग जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, जितना डिस्टेंस वो कवर करके जाएगा उतना ही डिस्टेंस वो कोचिंग से फिर घर वापस आएगा। ये घर हो गया, ये इसका कोचिंग हो गया, ये कितना की स्पीड से जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कोचिंग जा रहा है और कोचिंग से घर कितना स्पीड से आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पे यूज कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा इक्वल है, क्या हो जाएगा दो एक स्पीड 75 इंटू एक क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 75 प्लस 50, ये करेंगे तो 150, 75 गुना 150 गुना 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 75 125, तो ये क्या हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 10 पंचे 50, इसका एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आज हमने देखा कुछ पिछली वीडियो के शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे बनाए जिसको हम एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड निकाले। उसके बाद सबसे पहले हम ये जाने कि रेशियो मेथड कैसे यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जाने, उसके बाद एवरेज स्पीड हम निकाले। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।